सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मास्टर यूट्यूब चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और गेमिंग की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल ऑन HTML और आज की इस वीडियो में हम HTML को जानेंगे कि वो क्यों यूज होता है। सबसे पहला टॉपिक है HTML होता क्या है। HTML का यूज़ किया जाता है वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जी हाँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज से हम HTML को शुरू करेंगे कि किस तरह से HTML के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए, ES फाइल एक्सप्लोरर। आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बार ये डाउनलोड हो गई तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ज़्यादातर फ़ोनों में पहले से होता है पर फिर भी मैं कर सकता हूँ। ओके, तो इसके अंदर आप अपना फ़ोन के अंदर कोई भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए, जो भी आप रखना चाहते हैं। मैंने प्रोजेक्ट्स रखा है। इसके अंदर आपको दो HTML फाइल मिलेंगी और एक फ़ोटो मिलेगी। बेसिकली ये फ़ोटो बस एक सिंपल सी फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको दिखाने के लिए एक वेबसाइट बनाई है। जब भी हम किसी चीज़ को HTML के थ्रू देखना चाहते हैं, या तो हम कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं या हम HTML व्यूअर का यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, HTML व्यूअर सिर्फ एंड्रॉयड के अंदर होता है। यहाँ पे आप एंड्रॉयड साइन भी देख पा रहे हैं, तो देख लीजिए HTML का यूज़ कर आप इससे भी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। ये मैंने 10 मिनट के अंदर बहुत आराम से बना ली थी, सिंपल सी चीज़ है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ज़्यादा आसान तो नहीं होता, लेकिन HTML से मैं शुरुआत कर रहा हूँ और चलिए शुरू करते हैं। तो HTML की लैंग्वेज क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा और न्यू पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है फाइल, ध्यान दीजिए फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, आपको फाइल का नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्यूटोरियल, बिकॉज आई एम मेकिंग ट्यूटोरियल, सो ट्यूटोरियल स्पेलिंग एरर ट्यूटोरियल, तो 001 में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स आ रहा है क्योंकि ये नहीं जानता कि कौन सा फाइल फॉर्मेट है। तो हम क्या करेंगे, इसे रिनेम करेंगे और इसके आगे हम लिख देंगे .html। .html का जो एक्सटेंशन है ये HTML फाइल को यूज़ करता है। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर भी ये HTML आ चुका है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे ES नोड एडिटर के साथ। ओके, अब यहाँ पे हम एडिट विंडो खोलेंगे। तो वो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट नहीं है और आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं ज़रा फ़ोन की स्क्रीन को ऐसे कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिखे। तो सबसे पहली जो चीज़ हम लिखते हैं HTML में वो होती है, माफ़ कीजिएगा, जो भी आप HTML लिखते हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन इन साइंस के बीच में लिखा जाता है। कई सारे स्टेटमेंट्स हैं जो इनके बीच में नहीं लिखे जाते पर ज़्यादातर इनमें लिखे जाते हैं। अब इनके बीच में लिख देते हैं हम टैग्स, और हर एक टैग को हमें ओपन भी करना होता है और क्लोज भी करना होता है। आपको माइट भी कुछ समझ ना आ रहा हो पर मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। सबसे पहले तो ये हमने HTML यहाँ पर .html दे तो दिया, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो नहीं जानता कि ये फाइल HTML में प्रोग्रामिंग हो रही है। जब तक हम यहाँ पर HTML का जो टैग होता है इसको ओपन ना कर दें। तो टैग को इस तरह से ओपन किया जाता है और क्लोज करने के लिए हमें बिल्कुल सेम सेंटेंस लिखना है, बस एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखना होता है और वो क्लोज हो जाता है कुछ इस तरह से। अब इन दोनों के बीच में जो भी कोडिंग आएगी वो हमारे HTML की कोडिंग होगी। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा HTML का प्रोग्रामिंग है और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि HTML प्रोग्रामिंग का यूज़ आजकल नहीं किया जाता। अब वर्डप्रेस जैसी कुछ कंपनियां आ गई हैं जो आपको अलाउ करती हैं बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के वेबसाइट बनाने के लिए, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि अगर आपने ये जान ली तो आप बिना किसी कंपनी वगैरह पर डिपेंड हुए अपनी खुद की इंडिविजुअल वेबसाइट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और HTML के ट्यूटोरियल्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस, एक बात और, अगर मैं फाइल को सेव करूँ और मैं अभी इसे आके रन करूँ, माय ट्यूटोरियल नंबर 1 HTML माफ़ कीजिएगा, अगर मैं इसे रन करूँ अब HTML व्यूअर के साथ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अब तक इसके अंदर कुछ भी कोड लिखा ही नहीं है। इसीलिए
तो माइट वी ऐप को अभी कुछ समझ ना आ रहा हो, अगली वीडियो आपको मैं सिखाऊंगा कि अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ HTML व्यूअर से। यहाँ पे ऊपर लिखा है HTML व्यूअर, ये जो टेक्स्ट होता है इसको चेंज कैसे करते हैं। ओके ओके, और कंप्यूटर में भी आपने देखा होगा ऊपर न्यू टैब जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे वेबसाइट का कुछ नाम वाम आता है उसे टाइटल कहते हैं, वो सब हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर।